السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. كره دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو कर ही देते ज़िबहा इब्राहिम इस्माइल को तूने रोका हाथ उनका आए तमन्नाए हुसैन. मौजिस हाजरीन इकराम, ये शब शब आशूर है, 9 और 10 की दरमियानी शब है और हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहि सलातु वस्सलाम मैदान करबला में अपने साथियों, अपने अजीज़ व अकारिब और बीवी बच्चों के साथ मौजूद हैं, इम्तिहान गाह में मौजूद हैं इम्तिहान देने के लिए. और फिर इसकी इतला, इसकी खबर, इसकी पेशगोई अल्लाह ताला हज़ारों साल पहले दे चुका था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े में, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं और फिर आपकी तामील के लिए बेटे को पूछते हैं तो बेटा तामील के लिए अपना सर तस्लीम खम कर देता है. और वहाँ जब इम्तिहान शुरू होता है, इससे पहले कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलती, अल्लाह ताला ने निदा दी कि इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम एहसान करने वालों की जजा ऐसे ही देते हैं. और फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप सूरह साफ़ात पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंबिया के वाक़ियात का जिक्र फरमाया है. उसमें आगे यही फरमाता है आगे कि हम इसको आगे आने वालों के लिए रख छोड़ा है. मतलब ये है, इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये मामला आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी आजमाइश का मामला रहा या कुर्बानियों का मामला रहा, सब जुज़वी रहे. इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्लाम दीन कुल्ली है,
वहां जाने के बाद ही हर एक की कुर्बानी मुकम्मल होगी। जितने अंबिया कुर्बानी दिए हैं, इम्तिहानात दिए हैं, तो अल्लाह ताला उनको ये बताता है आगे कि तुम्हारी कुर्बानी मुकम्मल होगी, यहाँ इब्तिदा है, इंतहा इसकी वहां पर होने वाली है। जैसे एक बच्चा जब तालीम शुरू करता है तो उसकी तालीम अगर वो अंग्रेजी से है तो नर्सरी से स्टार्ट होती है। अब नर्सरी में ही ये नहीं कहा जाता कि बस बच्चा नर्सरी का इम्तिहान दे दिया है और कामयाब हो गया है, बल्कि माँ बाप के जहन में, वालदैन के जहन में ये बात होती है कि बतदरीज बच्चे का इम्तिहान बढ़ता जाएगा और फिर जाकर इसका कहाँ पर तकमील होगी, जहन में होता है कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद में, वहां जब फारिग होगा तब इसको इसकी तालीम मुकम्मल होगी। तो जहन में इत्तेदा से ही ये जहन में बात होती है कि आखिर तक जाना है और वहां जाके पाए तकमील को पहुंचना है। ऐसा ही अल्लाह ताला तमाम अंबिया के कुर्बानियों के साथ ही फौरी फरमा दिया आगे कि आगे जाने के बाद जो आने वाले हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत, वहां जाकर ये कुर्बानी पाए तकमील को पहुंचेगी। इसलिए कहा गया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसकी इब्तिदा हैं और इंतहा हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, जैसे मैं आयात कुछ आयात आपके सामने सूरह बकरा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिही, जैसा कि हमने तुम ही में से एक रसूल को भेजा जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ता है, वह युज़क्कीकुम और तुमको पाक करता है, वह युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा और तुमको किताब और हिकमत सिखाता है, वह युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। ये खास बात यहाँ पर है कि वो तुमको और तुमको वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। इस आयत के अंदर ही बात मुकम्मल तौर पर आ जाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने का जो मकसद है, वो मकसद को किस तरह अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि तमाम बातें कि तुम ही में से है रसूल, क्योंकि अगर जो कौम है यानी इंसान है, इंसान के लिए इंसान ही अगर हिदायत देने के लिए हो तो उसके लिए रोल मॉडल बनता है, इंसान ना हो फरिश्ता अगर हो जाए तो फिर वो उसके लिए रोल मॉडल नहीं होता। उसके अलावा और जो करीबी बात है, जो बहुत ज्यादा करीबी मामला होता है, वो ये है कि जिस मुआशरे में है, जहां पर है, वहीं से एक वजूद खड़ा हो जाए और इस्लाह करने के लिए कुछ बात कहे या फिर अल्लाह की तरफ बुलाए तो वो मामला और ज्यादा असरदार हो जाता है। क्योंकि अगर कोई बाहर से आ जाए हिदायत देने के वास्ते तो लोगों के जहन में ये होता है कि इनकी जो तरक्की, इनकी जो नशोनुमा, इनकी परवरिश जो हुई है, वो परवरिश इनकी किसी और माहौल में हुई है और हम लोग किसी और माहौल के हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किल है इनकी पैरवी करना। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा दे रहा है कि कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, कि तुम ही में से एक रसूल को हमने खड़ा किया, भेजा उनको, अल्लाह ताला वो मकाम से सरफराज फरमाया कि आपका काम बताया जा रहा है, यतलु अलैकुम आयातिना, हमारी आयात को वो तुम पर तिलावत करता है। अल्लाह ताला की निशानियां, अल्लाह ताला की आयात वो पढ़कर सुनाता है, वयुअल्लिमुकुम वयुज़क्कीकुम, आयात पढ़ने से तज़किये नफ्स होता है। इसके लिए लोग ये समझ गए कि आयात पढ़ने से तज़किये नफ्स होता है, मतलब ये है कि हम जिक्र अस्कार में लग जाएं, तस्बीह हाथ में पकड़ लें और आयात की तिलावत करते जाएं, जिक्र में लग जाएं तो हम पाक हो जाएंगे। ये मामला पाकी का ऐसा नहीं है। सहाबा इकराम के हालात को हम देखते हैं, हयात तैयबा में हम देखते हैं कि वहां पर तस्बीह हाथ में नहीं थी,
वो सिर्फ मुसल्ले पे बैठे हुए नहीं थे, वहां पर मैदान में काम किए फिर मुसल्ले पर बैठे, तब कहीं जाकर उनको कामयाबी मिली। इसलिए यहां पर अल्लाह ताला फरमाए कि यतलु अलैकुम आयातिना, हमारी आयात को तिलावत करता है तुम पर, यानी सिखाया जाता है कि आयात को तिलावत करना है तो कैसा आयात तिलावत करते हैं। वो आयात जो तिलावत होती है मैदानों में होती है। ये बात तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, मैं सरसरी तौर पर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ जाता हूँ कि युज़क्कीहिम, मैदानों में काम करने से तज़किये नफ्स होता है। तज़किये नफ्स के जरिए से इल्म आता है किताब का, वयुअल्लिमुकुमुल किताब, किताब का इल्म आता है। उसके बाद वल हिकमा, हिकमत आती है, हुकूमत आती है। हिकमत सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है मन युतल हिकमता फकत ऊत या खैरन खैरन कसीरा, कि हम जिसको हिकमत अता करते हैं गोया उसको खैर कसीर अता हो गया। तो हिकमत जिसको मिल जाती है खैर कसीर, यानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत मिल जाती है। जिसको हिकमत आती है वो कहीं पर फेल नहीं होता, कहीं नाकाम नहीं होता, बल्कि हर मैदान में वो कामयाब होता है। उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है खास बात के वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, कि तुम जिसको नहीं जानते थे वो तुमको सिखाता है। ये खास बात है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार ये काम ये हैं, इसके साथ ही साथ वो भी बता दिया आप कि जिसको जो आम लोग नहीं जानते, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है वही जान सकता है कि क्या हालात होने वाले हैं, कौन से मौके पर क्या अमल करना है। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून में बताए हैं कि ये चार आयत, जो चार चीजें हैं, तिलावत आयात और तज़किये नफ्स, किताब का इल्म और हिकमत, ये जिसको आ जाता है उसको ये मालूम हो जाता है कि कब क्या अमल कैसे करना है। वही अमल यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बस तुम मेरा मुझे याद करते रहो मैं तुम्हें याद रखूंगा। जिक्र किसको कहते हैं? जिक्र कहते हैं कि भूली हुई चीज को याद दिलाना या फिर अल्लाह की तरफ से कोई शर्फ हासिल हो जाना। ये तमाम बातें तफसीलात बहुत हैं इसके, इस वक्त जो बातें हैं जरूरी हैं वो बातें करते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? अज़कुरकुम, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा, यानी तुमको खुद जिक्र बना देगा अल्लाह ताला। तुम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो तुम खुद गोया जिक्र बन जाएंगे। अब दुनिया तुम्हारा जिक्र करने वाली बन जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या है? वश्कुरूली वला तकफुरून, कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। शुक्र किसको कहते हैं? वो तो आम बात हमारे पास इस बहुत मशहूर बात है कि शुक्र वो है कि अपनी सलाहियतों का सही जगह पर इस्तेमाल करना, उसको शुक्र कहा जाता है, और सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करना ना शुक्री है। ये सर है अल्लाह ताला के दरबार में झुकाने के लिए है, सजदा करने के लिए है अल्लाह के सामने। यही सर अगर पत्थर के सामने झुकता है तो अल्लाह के सामने झुकने वाला सर शुक्र अदा कर रहा है, और जो सर बुतों के सामने झुक रहा है वो कुफ्र कर रहा है। एक वाज़ह मिसाल इसकी है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो सब्र से और नमाज के साथ। यहां पर मदद की बात आ रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। मदद कब मांगता है इंसान? जब अपनी सलाहियतें जहां खत्म होती हुई नजर आती हैं वहां पर इंसान मदद तलब करता है। तो जब तक अपनी तमाम सलाहियतें अल्लाह की राह में न लगा दें, उससे पहले अगर अल्लाह से मदद तलब करें तो वो तलब मदद आने वाली नहीं है। मदद उसी वक्त आती है जब बंदा अपनी तमाम तर सलाहियत अल्लाह की राह में लगा दे और उसके बाद अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह मुझे इस वक्त तेरी मदद की जरूरत है, तब कहीं मदद आती है। ऐसा ही मामला मिसाल भी देते हैं दुनिया में, देखते हैं आप कि अगर कोई ज़ईफ खातून है, बूढ़ी औरत है, अगर कोई वजन उठा रही है तो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आओ बेटा जरा मेरा वजन उठा दो, बल्कि जिसके अंदर इंसानियत है, रहमदिली जरीबी है, अगर उसकी नजर पड़ती है, अगर वो गाड़ी पर भी मौजूद हो या घोड़े पर मौजूद हो, उतरेगा और फौरन उस बुढ़िया की मदद करेगा।
क्योंकि वो ये देखेगा कि बुढ़िया अपनी तमाम तसल्लियत इसके लिए लगा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इससे काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वही अगर हट्टा कट्टा इंसान कोई आसानी से उठा सकता है कोई चीज को, और अगर वो मदद के लिए कहे तो दुनिया उसको कहेगी कि क्या तुझे शर्म नहीं आती, अपनी सलाहियतें तेरे पास इससे ज्यादा उठाने की सलाहियत मौजूद है, उसके बावजूद तू काम चोर है। यहां पर अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम अपनी सलाहियतें अल्लाह की राह में लगा दो कमाम तमाम की तमाम, और उसके बाद में फिर मदद कैसी तलब करना है कि इस्तईनु बिस्सब्र, सब्र के साथ। सब्र किसको कहते हैं? जो आजमाइश जो मुश्किलात आ रही हैं उनका मर्दानावार मुकाबिला करने का नाम सब्र है। सब्र डर के बैठने का नाम नहीं है, बल्कि मैदान में जाएं और मुकाबला करें, यहां तक करें कि हमारी तमाम सलाहियत वहां लग जाए, और फिर उसके बाद में वह सलाह, सब्र के बाद में सलाह का मामला आता है। सब्र किसको कहते हैं? सब्र कहते हैं इस्तेखामत के साथ खड़े हो जाना, चट्टान बन के खड़े हो जाना, जितनी अपनी सलाहियतें पूरी सलाहियत को वहां पर लगा देना, उसका नाम सब्र है। इस्तेखामत के साथ खड़े हो जाना उसका नाम सब्र है। और सलात किसका नाम है? इंतहाई आजीजी के साथ अल्लाह के दरबार में झुक जाना, इसका नाम सलात है। तो पहले बंदा अपनी तमाम सलाहियतें लगा दे वहां पर, और उसके बाद में अल्लाह के आजीजी के लिए अपना सर अल्लाह के दरबार में झुका दे, तभी मदद आती है। तो कैसा इसका इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, तो अल्लाह ताला वादा फरमा रहा है कि अल्लाह बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। तो सबर करने वाले कैसे होते हैं वो मिसाल अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है, वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशुरून, बल्कि वो जिंदा है मगर तुम महसूस नहीं करते। यहां पर सब्र और सलात की बात हुई, उसके फौरी बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद कत्ल किए जाते हैं, जो शहीद होते हैं, उनको मुर्दा मत कहो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सब्र और की ये जो मंजिल आ जाती है, तो सब्र की मंजिल कहां तक है? अपने आप को अल्लाह की राह में कटवा देना, यहां तक सब्र का मामला है। यानी खुद ब खुद सलात में आ जाना, अपनी सलाहियत देख के लेकर मैदान में खड़े हो जाना, और दुश्मनों का मुकाबला करते करते खुद ब खुद सलात में चले जाना। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनके साथ मैं हूं, इसलिए आगे ये फरमा रहा है वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। सिर्फ ये नहीं फरमा दिया कि जो सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं उनके साथ अल्लाह है, तो फिर यहां पर कत्ल का मामला क्यों आया? क्योंकि कुरान में जो आयात है, बेरब कोई आयत नहीं है, रब्त है, हर आयत में रब्त है, हर सूरे में रब्त है। हजरत क़िबला आलम फरमाए हैं ये बात, और आयत जो ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक आयत की तफसीर अगर सही हो रही है कुरान करीम से, तो कई आयत उसके ताइद में खड़े हो जाती है, और अगर आयत की तफसीर गलत हो रही है तो कई आयत मुखालिफत में आ जाती है। तो यहां पर अल्लाह ताला कैसा फरमा रहा है कि सब्र और सलात के बाद में फौरी फरमा रहा है कि जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो। यहाँ एक जहन दिया जा रहा है बंदों को, इंसानों को यह जहन दिया जा रहा है, जो लोग अल्लाह के लिए अपनी सलाहियतें कुर्बान कर देते हैं, अपनी तमाम तर सलाहियत को देकर वहां जान अपनी दे देते हैं, और वो जान फिर वो सर सजदे में चला जाता है, तब अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको मुर्दा मत कहो। जिसके जिस्म से खून बह चुका, जिसकी सांसों की डोर टूट चुकी, उसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुर्दा नहीं है। लेकिन फिर एक जगह यही कुरान में फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुस्मिउल मौता, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। कौन मुर्दे हैं ये? क्या कब्रिस्तान में जाके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम फरमा रहे थे? नहीं, बल्कि मुर्दे यहाँ कुरान की जबान में वो मुर्दे हैं जो ईमान नहीं लाते, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं करते, जो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, सांसें लेते हुए उनके जिस्म में खून दौड़ते हुए भी वहां अल्लाह ताला उनके लिए कह रहा है कि ये मुर्दा हैं। कुरान की तौजीह अलग है, तशरीह अलग है, और इसके जो यहाँ पर जो तारीफ बयान की गई है, मुर्दे और जिंदे की तारीफ कुरान की अलग है, दुनिया की अलग है। दुनिया ये समझती है कि जो सांस ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, वो जिंदा है, लेकिन कुरान ये कहता है कि जिसके अंदर ईमान नहीं है, सांसें लेते हुए, खाना खाते पीते हुए भी
वो मुर्दा है, और फिर जो अल्लाह की राह में अपनी तमाम तर सलाहियतों को लगा देता है और फिर वो अपनी जान दे देता है यहाँ तक के उसकी सांसें खत्म हो चुकी हैं, उसका खून बह चुका है, उसका जिस्म ठंडा हो चुका है, देखने पर वो मुर्दे की तरह नजर आ रहा है, वह अल्लाह ताला वहां पर आगाह कर रहा है, वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله يموتا بل احياء عند ربهم يرزقون कि वला तहसबन الذين قتلوا, यहां पर क्या फरमा रहा है कि तुम गुमान भी मत करना, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है, लेकिन वहां फरमा रहा है कि तुम गुमान भी नहीं करना, गुमान पे तक अल्लाह ताला पहरा लगा दे रहा है कि जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं उनको तुम मुर्दा मत समझो, क्योंकि वजह क्या है इसकी, सिर्फ अल्लाह ताला इसलिए नहीं फरमा रहा है कि तुम मेरा हुक्म है इसलिए ये तुम मानो, बल्कि ये अमली तफसीर है, ये मामला अमली तौर पर है, कैसे कि जब शहीद है तो शहीद जब हुआ है वहां से लेकर रहती दुनिया तक वो दुनिया की रहबरी करते रहता है, इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो जिंदा है, और जो मुखालिफत करता है अपनी उसके लिए जिंदगी लगा देता है वो वहीं पर मुर्दा हो जाता है जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को झुठला देता है या ठुकरा देता है, वहीं मुर्दा हो जाता है वो, इसलिए उसका कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं होता, उसका नाम आगे बढ़ने वाला नहीं होता, वहां शहीद इसलिए जिंदा है कि उसका हर अमल दुनिया के वला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह बल अहयाउन वलाकिन ला तशुरून, कि वो जिंदा हैं जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उसका तुमको शऊर नहीं है। शऊर किसको कहते हैं? शेर कहते हैं बाल को, बाल को शेर कहते हैं, यानी अभी तुम बच्चे हैं, फरमाता अल्लाह ताला अभी तुमको दाढ़ी मूछ नहीं आई, अभी तुम उस मुकाम पर बलूगत के मुकाम पर नहीं पहुंचे, तुम बच्चे हैं इसलिए तुम यहाँ पर वो गुमान नहीं कर सकते, वो ख्याल वो एहसास नहीं कर सकते अपने अंदर कि ये कैसे जिंदा हैं। तो अल्लाह ताला इनको बच्चे कह रहा है, ये बच्चे हैं ये, मगर कैसे बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, इसलिए शऊर नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि उस मुकाम पर पहुंच चुके, उम्र वो आ चुकी, उसके बावजूद वो अक्ल वो समझ नहीं है इनके अंदर, इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला के कलाम को ये पढ़ने के अपने अंदर वो काबिलियत पैदा नहीं किए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए पैगाम को जज्ब करने की इनके अंदर कैफियत नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम यहाँ पर तुमको शऊर नहीं है। उसके आगे अल्लाह ताला तक कैसे कंटिन्यूएशन है यहाँ पर, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है वला नब्लुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफ वल जू वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, कि जरूर बजरूर, लाम ताकीद और नूने सकीला के साथ में, कि जरूर ब जरूर हम उनको आजमाएंगे, वला नब्लुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफ, किसको आजमा रहा है अल्लाह ताला, जिसको मकाम दे रहा है शहादत का उनको अल्लाह ताला आजमा रहा है। तो ये आजमाइश कैसे, ये आयत पूरी हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, जरूरी था कि खिलाफत के बाद ये नमूना दुनिया के सामने पेश हो, क्योंकि खिलाफत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में कायम नहीं हो सकती, बल्कि आपके पर्दा फरमाने के बाद में ही खिलाफत कायम होती है, और खिलाफत कायम हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पयाम लोगों के जहन में हो, जो मकसद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं सारी उम्मत के लिए, वो उम्मत के पेश नज़र हो, कि अल्लाह ताला जैसे यहाँ पे फरमाया कि क्या क्या है, युअल्लिमुहुमुल किताब यतलू अलैहिम आयातिही यतलू अलैना आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और वो बात जिसको तुम नहीं जानते, यानी वो बात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत में रह के जाने हैं आम दुनिया नहीं जानती, ये जानने वाले लोग मौजूद हों, और वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा जो नबुवत के मिन्हाज पर मिन्हाज नबुवत वाली खिलाफत चल रही हो, वहां अगर कोई इससे हटकर अपना अमल करे तो फिर वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है जिसके सामने तमाम बातें मौजूद हो, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में रहकर हुजूर के गोद में पलकर जिन्होंने इल्म हासिल किया, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में रहकर हिकमत हासिल की, इल्म हासिल किया, वो तमाम बातें जो नहीं जानने वाले लोग हैं आप वो बातें जान चुके और आप मौजूद हों,
आपके सामने अगर कोई उस मुकाम पर चला जाए जिस मुकाम पे वो उस तरफ देखने के भी काबिल ना हो और उस पर बैठने की वो कोशिश करे या बैठ जाए तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। यही इम्तिहान का लिए हजरत इमाम हुसैन आली मकाम ने इम्तिहान दिए। इसलिए हजरत क़िबला क्या फरमाते हैं कि वो कुर्बानी बहुत बड़ी है कुर्बानी जो दीन को बचाने की खातिर या दीन के लिए, दीन के एक मामूली, लोग ये समझते हैं कि मामूली बात है, उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देना ये बहुत बड़ी बात है। यही वजह है वहां क्या मामला था, बज़ाहिर ये देखने में मामला यही था कि यजीद ये चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम उसके हाथ पर बैत कर लें। लेकिन आप बैत के लिए देखिए सिलसिला शुरू से ही आप देखते जाए तफसीलात में गए बगैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो सिलसिला यहाँ चल रहा है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके साथ में हजरत इमाम अली, हजरत अली करम अल्लाह वज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और इन दोनों से फिर जो औलाद चल रही है वह हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन, ये सिलसिला चल रहा है, इधर से ये सिलसिला है और इधर ये जो सिलसिला है अबू सुफियान अमीर माविया और माविया की बीवी हिंदा, आपको याद दिलाता चलूं अबू सुफियान की बीवी, हाँ अबू सुफियान की बीवी, अबू सुफियान की बीवी और दादी होती ना यजीद की, यजीद की ना, तो अबू सुफियान की बीवी हिंदा, हिंदा के ताल्लुक से आपके जहन में बात है फिर भी मैं कहता चलूं, हिंदा वो है कि जो मैदान उहद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला को शहीद करवा कर खुद वहां पहुंच कर आपके लाश मुबारक पर आपके लाश से बदतमीजी करते हुए चीर फाड़ करते हुए कलेजा चबाने की कोशिश करती है और वो तमाम वाकियात आपके सामने हैं। उसकी औलाद, हिंदा की औलाद माविया अमीर माविया, माविया की औलाद यजीद, और फिर आगे और फिर देखें इसके लिए कि लोग ये कहते हैं कि साहबी रसूल बताने के लिए या फिर उस वो मुकाम देने के लिए रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम देने के लिए आज दुनिया में एक फिरका यानी एक जमात लगी हुई है ताकि उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उस वहां पर धोखा इस तरीके से दिया जा रहा है कि अगर यजीद गलत है तो छोड़ दो उसको, क्यों उसका नाम लेते हैं, बजाय उसके वही नाम उतने वक्त में जिक्र करो अल्लाह का, क्यों उसका नाम लेते हैं लेकर अपनी जबान को आप अपने वक्त को खराब कर रहे हैं। तो लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए ये धोखा है। जब तक लोगों को राह नहीं बताई जाती कि ये हकीक या सच है या और गलत है, ये अंधेरा है ये रोशनी है, सिर्फ आप रोशनी की तारीफ करते जाएं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि रोशनी क्या किस चीज का नाम है। जब तक मुकाबिल की बात चीज को नहीं बताया जाता तो उस चीज की अहमियत नहीं होती। जैसे सूरज में हैं हम, रोशनी में हैं, अगर रोशनी में ही रहें तो हमको पता नहीं चलता कि रोशनी क्या चीज है। कब हमको वो होता है, जब रात हो जाती है तब हमको अंदाजा होता है कि सूरज की रोशनी की क्या अहमियत है। ऐसा ही हमको ये बताना जरूरी है कि हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कुर्बानी है वो कुर्बानी क्यों इतनी आलीशान है, इस मुकाबिल में कौन था, वो बताने के लिए जरूरी है कि यजीद का जिक्र करें। दुनिया ये कहती है क्यों जिक्र कर रहे हैं यजीद का, आप छोड़िए वक्त जाया मत करिए, उसमें ही जिक्र कर लीजिए अल्लाह ताला का, ये बात बताना भी अल्लाह का जिक्र है। इमाम हुसैन अली मुकाम की तारीफ करना और यजीद के करतूतों को बताना ये भी अल्लाह का जिक्र है। जब ही तो कौम में शऊर बेदार होगा कि कौन सी हरकत करने की वजह से यजीद पलीद हुआ और कौन से अमल की वजह से आज तक हजरत इमाम हुसैन जिंदा है। यजीद मर चुका तभी और आज तक हजरत इमाम हुसैन जिंदा है, तो कौन सा अमल था वो बताने के लिए दुनिया में ये बात है। तो मैं बता रहा था आपको कि सिलसिला कैसा चल रहा है,
और फिर जब इस्लाम में फतेह मक्का का वक्त आया तो वहां फतह हुई तो कुरान ऐलान करता है कि फतह के बाद ईमान काम नहीं आएगा। हज़रत क़िबला फरमाते हैं फतेह इस्लाम बड़ी चीज नजर आती है, ये वो दिन होंगे कि ईमान ना काम आएगा। कि जब ईमान काम नहीं आता ऐसे वक्त ईमान ला रहे हैं, अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो ये खामोश रहे, उसके बाद काम आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ही सिलसिला चलता रहा उनके अंदर। क्योंकि उसी वक्त जब फतेह मक्का के वक्त ही अबू सुफियान ने ये कहा था कि तुम्हारे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला जो आपके चचा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके साथ जब आप उनका मान देते हैं अबू सुफियान को, जब जाकर वो देखते हैं वहां पर कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ हैं, तो कहते हैं कि जबरदस्त बादशाह चमक चुकी, बादशाह बन चुके, जहन में सिर्फ इनके बादशाहत ही है, इनके पास फकीरी नहीं है, इनके पास दीन इस्लाम नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि दीन इस्लाम के जरिए से हम बादशाहत करें उसका अमली सबूत है आगे चलकर। जब हजरत अली करमल्लाहु वजहु का वाक़ जब आप खलीफा बनते हैं तो वहां पर कौन आते हैं मुखालिफत में? क्या कोई काफिर आए थे मुखालिफत में? क्या कोई और दूसरे दीन के यहूदी या कोई मुशरिक आए थे आपके मुकाबले में? कौन थे मुकाबले में? हजरत अली करमल्लाहु वजहु के जो मनाकिब हैं, आपकी तारीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, आज 1400 साल के बाद में भी हमको वो तारीफ हमारे सामने है, जब तो वो जिंदा थे वो लोग और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान मुबारक से सुन चुके थे हजरत अली करमल्लाहु वजहु की तारीफ, और उसके बावजूद हजरत अली करमल्लाहु वजहु के मुकाबले में आना किस बात की दलील है? क्या है ये, कौन सी बात है? और फिर उसके बाद में हजरत अली करमल्लाहु वजहु के खिलाफत को और आपको आपकी शहादत तक वहां तक पहुंचा देना, और फिर उसके बाद में हजरत इमाम हसन को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब आपको बिठाया गया खिलाफत पर, लोगों की तरफ से उम्मत की तरफ से नामजद नहीं थे आप बल्कि उम्मत की तरफ से बिठाया गया, लेकिन वहां पर भी चढ़ाई की गई। किसके ऊपर चढ़ाई की जा रही है, किसके मुकाबले में आ रहे हैं? हज़रत अली के मुकाबले में आए, हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबले में आए, और फिर जब यहाँ पर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान, वहाँ हज़रत अली हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर आप सुलह करवा कर देते हैं, छोड़ देते हैं वो मामले को, इसलिए कि वहाँ पाए तकमील को पहुँच चुकी थी खिलाफत, इसलिए आप वहाँ पर छोड़ दिए। तो वहाँ पर उसके बाद में मुलुकियत शुरू हुई, बादशाह शुरू हुई, और फिर वहाँ यजीद को लाकर बिठाया गया। सिलसिला देखिए कैसा है, कैसे सिलसिला कैसा है, खून कैसा है, वैसा ही अमल होगा ना। खून अगर पाक होगा तो पाक अमल होगा, अगर खून नापाक होगा तो आगे चलकर नापाक अमल ही होगा। वो खुद ये कहने पर जो यजीद की तारीफ करते हैं वो ये कहने पर मजबूर हैं कि हाँ बाप बेटे से इज्तिहादी गलती हुई, यहां तक तो कहते हैं वो, तो क्या ये सहाबी से इज्तिहादी गलती ऐसी हो सकती है? हजरत अली करमल्लाहु वजहु के मुकाबले में आना इज्तिहादी गलती है क्या? वहां पर जब मदीने में चढ़ाई करना क्या इज्तिहादी गलती है? खैर मैं उन बहस में गए बगैर तो ये बता रहा था कि इस वक्त वहां पर जैसा हज़रत क़िबला फरमाते हैं कि वहां पर कोई भी कुव्वत वाला नहीं था, उस जगह कोई भी मोमिन ना था ताकत वाला, चौ तरफ फासिख व फुज्जार का ही गलबा था। हर तरफ फासिख थे, फुज्जार थे, फाजिर थे, गुनाहगार थे, वो ताकत वाले कोई भी नहीं थे वहां पर। कौन थे? हजरत इमाम हुसैन ताकत वाले। इसलिए आप अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वशकुरु ली, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मतलब आपके पास ताकत है तो ताकत का इजहार करो। यही हजरत इमाम हुसैन, आपने जो वहां पर अपनी ताकत का इजहार फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईमान की ताकत आपके पास मौजूद है, इसलिए आप ही ताकत वाले हैं, तो आपके ऊपर ये लाजिम हुआ कि वशकुरु ली में आप खड़े हो जाएं। आप खड़े हो गए वहां पर, तो अल्लाह ताला फिर आपका इम्तिहान लिया। कैसे कैसे इम्तिहान ले रहा है? वला नब्लुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफ, अगर एक शख्स के ऊपर इम्तिहान आ जाए और फौरन उसकी शहादत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती कि उसके ऊपर हमला कर दिया जाए और उसको शहीद कर दिया जाए, तो वहां पर कुर्बानी मुकम्मल नहीं होती। यहां तक कि ये कहा जाता है कुर्बानी में कि कुर्बानी का जो जानवर है शरीयत में यहां तक है कि उसको पहले ला लें आप और उसको चारा खिलाते रहें, सधाएं, उससे आप मानूस हो जाएं, जब आप मानूस हो जाएं यानी उससे आपको मोहब्बत पैदा हो जाए तब उसकी कुर्बानी दें तो बड़ी कुर्बानी होती है। बकरा लाए और कुर्बान कर दिए, कुर्बानी तो हो जाती है लेकिन बड़ी कुर्बानी वैसे नहीं होती।
जैसे होने चाहिए, यानी बकरे को लाना है, उससे मोहब्बत होना है, तब कहीं कुर्बान करना है, वैसे ही अल्लाह ताला पे फरमा रहा है कि यहाँ कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला पांच इम्तिहानात रखा कामिल कुर्बानी होने के वास्ते। वह हजरत इमाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को ले गए और जुबहगाह में गए, सरबा सुजूद हुए वो, और आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और छुरी रख दिए गले पर। वह कुर्बानी अल्लाह ताला तो फरमाया कि आप तो अपना काम पूरा कर दिए, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई कुर्बानी। इसलिए मुकम्मल होने के लिए जरूरी है कि आजमाइश हो पहले। तो कैसे कैसे आजमाइश? वला नब्लुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफ, खौफ की आजमाइश। कैसा मामला खौफ का है? जब मैदान करबला में आप पहुंचते हैं एक या दो मुहर्रम को, तो वहां पर अतराफ से पहरा है और लखोदख सहरा है, सामने दरियाए फुरात बह रहा है और जंगल के जानवरों की आवाज आ रही है, रात की तारीकी है, बच्चे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे में कैसा खौफ का माहौल है कि सिर्फ जानवरों की आवाजें नहीं आ रही हैं, बल्कि आपके जान के जो दुश्मन बने हुए हैं उनके भी का फौजों का ठाटे मारता हुआ समंदर सामने मौजूद है, वो लोग भी इधर यहाँ पर हैं, और पीछे से काली रात है, अंधेरी रात है, और ये जानवरों की आवाज है, कोई आबादी और दूसरी नजर नहीं आ रही है। कैसा खौफ का इम्तिहान है। इंसान अगर अकेला हो तो इम्तिहान से गुजर जा सकता है, लेकिन वहां पर अकेले नहीं है, साथ में बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, अपने साथी भी हैं, और आपके जानिसार भी मौजूद हैं, सबको साथ में लेकर ये इम्तिहान देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाएगा जरूर मैं आजमाऊंगा खौफ से, वल जुर, और भूख से। कैसा मामला है भूख का? इंसान अकेला भूखा रह जाए कुछ नहीं होता, लेकिन उसके सामने अगर वो खुद भूखा है और छोटे छोटे बच्चे अगर भूख से बिलबिला रहे हैं, अगर उसके खवातीन वहां पर भूख से बिलबिला रहे हैं, साथियों को भूख लग रही है, तो वैसे वक्त क्या कर सकता है इंसान? सोचिए कैसा इम्तिहान है, और इम्तिहान किसके लिए दिया जा रहा है, जबकि वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पानी नहीं है या खाना नहीं है, खाने के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आप अपना हाथ दे दें, आप बैत के लिए तैयार हो जाएं, तो आपके लिए तमाम दुनिया में जो सहूलतें हैं वो सब आपके लिए है। अगर आप बैत नहीं करते हैं तो उस तमाम चीजों से आपको रोक दिया जा रहा है। कैसा है? आपको अकेले को नहीं रोक दिया जा रहा है, बल्कि आपके तमाम जो साथ हैं सबके ऊपर इम्तिहान हो रहा है, सब इम्तिहान दे रहे हैं। तो ज्यादा इम्तिहान किसका होता है? जो खड़ा हो जाता है और जिसके साथ में लोग आते हैं, सबसे बड़ा इम्तिहान उसका होता है, उसको सबसे ज्यादा एहसास होता है इस बात का कि ये मेरे लिए आए हुए हैं, इसलिए ये लोग, इनकी कोई बात नहीं है, इनके लिए कोई इम्तिहान नहीं रखा गया है, लेकिन वो मेरे लिए ये लोग इम्तिहान दे रहे हैं। तो इम्तिहान खौफ का है, वल जो भूख का इम्तिहान, खौफ के बाद भूख है, वह नक्सिम मिन अलमवाल, कैसा जानों का नुकसान है, कैसा माहौल, कैसा मामला है, कैसे हजरत अली क्या जो कड़ियल नौजवान है, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के साहबजादे अब्बास रजी अल्लाह तआला वहां पर मौजूद है और लोग वहां पर अपनी जानें दे रहे हैं, कैसा कैसा इम्तिहान है। यानी वहां एक तो भूख और प्यास का इम्तिहान है, भूखे प्यासे रहते हुए वहां पानी सामने दौड़ रहा है, पानी बह रहा है, जानवर पी रहे हैं और दूसरे लोग पी रहे हैं, लेकिन रोक किसको जा रहा है? उनको रोका जा रहा है जो अल्लाह वाले हैं, उनको रोका जा रहा है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, उनको रोक रहे हैं जो कुरान वाले हैं, उनको रोका जा रहा है, और वहां इम्तिहान हो रहा है, कैसे कैसे जानों का नुकसान, माल का नुकसान कैसा हो रहा है कि मदीने में आपके घर को लूटा जा रहा है, आपके घर पे कब्जा, और जो कुछ है हजरत इमाम हुसैन का वो माल यजीद का समझा जा रहा है और लूटा जा रहा है वो माल को। और फिर तकसीम मिन अलमवाल वल अनफुस, जानों की शहादतों का मामला आपके सामने मौजूद है, कैसे कैसे जाने दी जा रही हैं, भूखे प्यासे हैं, कैसे जान का इम्तिहान, और कैसा हो सकता है कि वहां पर हजरत अली असगर कैसा इम्तिहान दे रहे हैं, नन्हे हैं, बहुत छोटे हैं, प्यास लग रही है और फिर आपकी जबान निकल रही है प्यास से, तो बच्चों को देखकर अगर सख्त से सख्त काफिर भी अगर है, सख्त दिल भी है, बच्चों के लिए तो यहाँ कोई उसके लिए
वहां पर आजमाइश की बात नहीं होती, बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ किया जाता है, इसलिए इस बच्चे को जब पेश किया जाता है तो वहां वो भी इम्तिहान देते हैं कि पानी पीने के लिए गए और फिर लहू पीते हुए वापस आते हैं, वहां जान देते हैं। तो हर जान के बाद में क्या फरमा रहे हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, आप यही फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर एक लाश के बाद में आप यही कह रहे हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कासिम है, हजरत इमाम कासिम जो दुल्हा हैं, आप जा रहे हैं वहां पर जान देने के लिए और तलवार चला रहे हैं, तो लेकिन हर एक के दिल में जज्बा यही है कि हम शहीद हो जाएं। वहां हुकूमत करने की का जज्बा नहीं था, वहां पर सिर्फ काफिरों को मारने का जज्बा नहीं था, बल्कि वो इस बात पर खुश थे कि हम अल्लाह की राह में साबित कदमी के साथ में हम शहीद हो रहे हैं। और फिर वल अंफुस व समरात, और समरात किसको कहते हैं, नतीजे को कहा जाता है, हज़रत क़िबला फरमाते हैं। और समरात के माना तो नतीजा के हैं, थे समद आप, नतीजे की नहीं थी परवाह, नतीजे की कोई परवाह नहीं थी। क्या नहीं मालूम था कि तमाम के तमाम लुट जाएंगे तो क्या नतीजा निकलने वाला है, ख्वातीन रह जाएंगे, एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप रह गए बीमार रहने की वजह से, आगे क्या होने वाला है। ये तमाम चीजें आपके सामने मौजूद थी, इसलिए जब मदीने मक्के से जब आप निकल रहे थे 8 ज़िलहज्जा को, तो लोगों ने आपको जब रोका तो आपने फरमाया कि इन्नी मक्तूलुन ला मुहाला, कि मैं जरूर बा जरूर कत्ल किए जाने वाला हूं मैं, आपको मालूम है इस बात का। इसलिए आप क्या कहते हैं, आज ये शबी आशूर है, इसमें आप तमाम अपने जो साथी हैं सबको जमा करते हैं और किताब फरमाते हैं उनसे, उसके बाद आप ये कहते हैं कि यजीद सिर्फ मेरी बैत के लिए बेचैन है, वे चाहता है कि मैं ना रहूं, मैं ही उसको रास्ते में एक रोड़ा नजर आ रहा हूं, मैं ही हूं जो वो चाहता है उसको रोकने वाला नजर आ रहा हूं, इसलिए उसका इम्तिहान मेरे साथ है, इसलिए मैं ये चाहता हूं। हज़रत इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि आप लोग कहीं चले जाएं, ये इम्तिहान मेरे लिए है, मैं इसको दे लूंगा, आप लोग यहां से चले जाएं। और आप थोड़ी देर तौकुफ करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि शायद मेरे आंखों के सामने जाते हुए शर्म महसूस हो, इसलिए मैं यहाँ पर आज इस दिया को, इस चराग को गुल किए देता हूं। और आपने उस चराग को बुझा दिया अपने खेमे में। गौर कीजिए कैसा मामला है, सामने मौत नजर आ रही है, 9 दिन के भूखे हैं, 9 दिन के भूखे, 3 दिन के प्यासे हैं। ऐसे माहौल में हजरत इमाम हुसैन अली मकाम फरमा रहे हैं कि इम्तिहान सिर्फ मेरा है, आप लोग चले जाएं अंधेरे में कहीं भी, आपसे कोई बासपूस नहीं होगी, आपको कोई नहीं है पूछने वाला, आप लोग जा सकते हैं, मेरा इम्तिहान है, मैं इसको दे लूंगा। और चराग गुल कर दिया जाता है, माहौल का अंदाजा कीजिए कैसा माहौल है, अब अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, अंदर भी अंधेरा है, जब लोग अगर अंदर से निकल के चले जाएं, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि कौन कौन गया और कौन यहाँ पर रह गया, अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा, किसी की आंखों के सामने जाते हुए शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होगी। और फिर आप खामोश हो जाते हैं कुछ देर के लिए, और फिर जब चराग लगा दिया जाता है तो आप देखते हैं कि जो जहां था वहीं बैठा हुआ है, 1 इंच भी वहां से अपने मुकाम से नहीं हटा। क्यों? इसलिए कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये मूसा अलैहि सलाम की उम्मत नहीं है, जिसने कहा था कि फसब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, कह मूसा कि जब उनको दी गई खुशखबरी के चलो अल्लाह ताला हमको बैतुल मुकद्दस के फतेहयाबी की खुशखबरी देता है, चलो हम चल के जंग करते हैं, फतह होती है, हम वहां पर उसको हासिल कर लेंगे, तो कौन जिसको खिलाया पिलाया गया था, जिसको मनो सलवा दिया गया था, आज लोग जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, वहीं साथ ही साथ मूसा अलैहि सलाम की भी मिसाल देते हैं, उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि किस कौम की मिसाल दे रहे हैं। उस हमारे मुसलमान उम्मत को उस यहूदियों से वहां मुकाबला करने की कोशिश की जाती है, ये यहूदी साजिश है कि वो कौम जिसको खिलाया पिलाया गया, मनो सलवा दिया गया, जिनके लिए चश्मे निकाले गए, सब कुछ देने के बाद उनसे ये कहा गया कि चलो हम लड़ते हैं, वहां पर जाकर अल्लाह ताला तो खुशखबरी दे चुका है, हम वहां फतह करते हैं, खुशखबरी भी मिल गई है, और सिर्फ जाकर वहां फतह हासिल करना है, चलो तो कौम कहती है कि हम नहीं आने वाले, आप और आपका रब जाके लड़ लें, जब फतह हो जाएगी तो हम फतेह के नखार्ची बनकर आ जाएंगे,
लेकिन कैसी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। यहाँ पर इम्तिहान, 9 दिन के भूखे हैं तमाम तमाम के तमाम लोग, 3 दिन के प्यासे हैं, सामने मौत नजर आ रही है, इसके बाद भी क्या होने वाला है इसका नतीजा भी सामने नहीं है। वहां फतेह की बशारत दी जा चुकी थी लेकिन बजाहिर यहाँ पर कोई फतेह की बशारत नहीं है, उसके बावजूद भी कोई भी एक इंच भी अपने मकाम से नहीं हटा है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये उम्मत की शान है। और फिर यही रात है जो आजमाइश की रात है, यहीं पर साबित कदमी मालूम हुई कि आपके साथ देने वालों के अंदर साबित कदमी कितनी है। यही साबित कदमी इस्लाम चाहता है। तो ये सब क्यों हुआ, इतने इम्तिहानात जो आप दिए और आखिर में आप शहीद हो गए। वहां पर मामला आखिर वक्त तक यही रहा कि आप सिर्फ बैत कर लीजिए। अगर आप बैत कर लेते तो क्या होता था, सब आजाए जो आराइश थे और आसानियां थे सबको, सब कुछ आपको मिल जाते थे। यूं समझ लिए कि एक शहजादे की तरह आपकी जिंदगी गुजरती थी। लेकिन आप क्यों आप उस जिंदगी को लात मारे और फिर आजमाइशों के रास्ते को इख्तियार फरमाया, यहां तक कि आप अपनी जान दे दिए। वो इसलिए दिए कि आपके सामने यही मामला था। इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, मदद की जरूरत किस लिए थी, कि यजीद की फौज, यजीद का इख्तदार आपके सामने था, कि वो इख्तदार जो तालीमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मस्त कर रहा था, उसके लिए आप खड़े हो गए और सब्र के साथ खड़े हो गए। इसलिए यहां पर अल्लाह ताला ये कह रहा है कि सब्र के साथ खड़े हो जाओ। सब्र के साथ आप खड़े हो गए, कैसे खड़े हो गए, यहां तक के अपनी जान भी वहां पर दे दी। और फिर वह सब्र व सलाह, और जान कैसे दी आप, सजदे की हालत में आप जान देते। तो सब्र और सलाह दोनों वहां पर है, एक ही जगह मौजूद है। 5 इम्तिहानात के साथ साथ 5 इम्तिहानात वहां पर हो रहे हैं और सब्र और सलात भी वहां पर पूरी हो रही है। वहां पर सब्र के साथ खड़े हुए हैं आप, जान कहां दे रहे हैं, सजदे में जान दे रहे हैं। ये है हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम की जो हयात तय्यबा है, जो हमको जिंदगी देती है, हयात देती है, मुर्दों के अंदर जिंदगी पैदा करती है। और अल्लाह ताला इसलिए फरमाता है वबशरिस साबिरीन, ऐसे सबर करने वालों को बशारत दो। फरमाता अल्लाह ताला क्या बशारत देना है, कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब कभी जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है, यानी ये मुसीबत पहुंची है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो रही है, 5 इम्तिहानों में कामयाब हो गए हैं, अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बशारत दो। अरे मुर्दा दुनिया के सामने है, बशारत किसको देते हैं, क्या बशारत मुर्दों को देते हैं। यहां भी ये बात साबित होती है जिंदगी की, कि बशारत किसको दी जाती है, मुर्दों को बशारत नहीं दी जाती बल्कि जिंदों को बशारत दी जाती है। तो यहाँ अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि यहाँ पूरे इम्तिहानात हो गए, अपनी जान भी दी थी, था आखिरी सौ रब क्या तोहफा रब का, वो हजरत सुब्ला फरमाते हैं कि वहां पर जान भी दे ही दी था आखिरी सौदा रब का, जो आखिरी इम्तिहान था रब की तरफ से, वो भी आप दे चुके। देने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसों को बशारत दो, तो मतलब बशारत जिंदा है वो, इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनको बशारत दो। और फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहा है, और जिंदगी का सबूत यहाँ और भी मिलता है कि वो कहते हैं कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अपनी कुर्बानी देकर ये बात साबित करते हैं, अपने अमल से ये बात को साबित कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हम अल्लाह के लिए आए थे और अल्लाह के लिए ही हम जा रहे हैं। कालू इन्ना लिल्लाह, लिल्लाह किसको कहते हैं, अल्लाह के लिए, कि इन्ना बेशक हम, लिल्लाह अल्लाह के लिए हैं। कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। कि हर चीज अपने जो उसकी इब्तिदा होती है, जहां से होती है वहीं पर लौट कर जाती है। जिसके अंदर शिक्र शिर्क और कुफ्र होगा उस पर मरेगा तो मतलब वो शिर्क में ही था, शिर्क में ही लौट गया। और जो ईमान पर कायम रहकर अपनी जान देता है, मतलब ये है कि उसकी पैदाइश ही ईमान पर हुई थी और वो लौट कर ईमान में ही जा रहा है। इसलिए इन्ना लिल्लाहि, किसी का भी इंतकाल हो गया तो यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
मालूम नहीं रहता, लेकिन फिर भी यही बात कहते हैं। मतलब ये कि हम अल्लाह के लिए आए हैं और अल्लाह की तरफ ही हम लौट के जाने वाले हैं। ये सबूत हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम अपनी जात से दुनिया के सामने ये दिए कि हम आए अल्लाह के लिए और हम जा रहे हैं अल्लाह के लिए। लोग क्या कहते हैं, आई हयात लाई कजा ले चली चले, आई लाई हयात आए कजा ले चली चले, हयात लाई थी आ गए और मौत लेके चले जा रहे हैं, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। इसलिए लोग कहते हैं कि ना हम अपनी खुशी से आए थे ना हम अपनी खुशी से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह वालों का मामला कैसा होता है, अपनी खुशी से आते भी हैं और जाते भी अपनी खुशी से हैं। क्या हज़रत इमाम हुसैन को नहीं मालूम था ये सब बातें? मालूम था, इसलिए आप फरमा रहे हैं इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं। मतलब हम अल्लाह में हो चुके हैं, अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये इम्तिहान उनके लिए है जो सामने वाले हैं, उनका ये इम्तिहान है हकीकत में। यह इम्तिहान हज़रत इमाम हुसैन का इम्तिहान नहीं है, अब तो अल्लाह में हो चुके, फना हो चुके मुकम्मल तौर पर अल्लाह में। अब जो इनसे मुकाबिला करेगा गोया वो अल्लाह से मुकाबिला कर रहा है। अल्लाह से मुकाबिला कर रहा है मतलब अपने ईमान को वो पेश कर रहा है, उसके अंदर कैसा ईमान है, क्या ईमान है या नहीं है, उसका वो सबूत दे रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं, वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम अल्लाह के तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। मतलब हम शुरू जहां से हुए वहीं पर जाएंगे। उसलिए अल्लाह ताला दुआ सिखा रहा है, रब्बना अतमिम लना नूरना वाग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह ऐ अल्लाह तू हमारे नूर को हमारे लिए मुकम्मल कर दे। मतलब हम नूरानी हैं और हम मुकम्मल नूर में जाने चाहते हैं। मुकम्मल नूर कौन है? वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती गिरानी है। तो हम हुजूर में फना होना चाहते हैं, तो ऐ अल्लाह हमको, हम तो नूर हैं, हमको मुकम्मल नूर में फना कर दे, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में फना कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह में ही फना होने वाले हैं, अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। तो जो चीज जहां होती है वहीं पर जाती है, उसी तरफ। इसलिए आगे अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, कि अल्लाह ताला फरमा यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से मगफिरत और रहमत है। सलात है यहाँ पर, सलात वो है जो अंबिया को नहीं हासिल हो सकती। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी पर सलात नहीं है। अबुल अंबिया जिसको कहा जाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन पर भी सलात नहीं है। लेकिन यहूदी साजिश के तहत कोशिश की जाती है कि आपको भी सलात, नौज़ बिल्ला, यहां तक के आपके जैसी सलात हुजूर के ऊपर भेज अल्लाह ताला, ये दुआ कर रही है उम्मत। और इसको बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अब इसमें तफसीलात में नहीं जाता मैं फिर वक्त, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जो सलात है वो सलात उम्मत पर है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है और आपकी उम्मत पर है कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, रब के तरफ से सलात भी है और रहमत भी है। कैसा मामला है सलात का? सलात की तफसीलात भी बहुत है, वो इंशाल्लाह फिर कभी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है वा उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही हिदायत पाए हुए लोग हैं। मतलब अगर तुमको हिदायत पाना है तो इन लोगों के दरबार में हाजिर हो जाओ, इनकी पैरवी करो तो तुम हिदायत पर होंगे। अपने आप का जायजा लो कि तुम किस तरफ हो। तुम अगर हुसैनी हैं, हुसैनी सिर्फ जबान से दम भरने का नाम हुसैनी नहीं होता, हुसैन उस वजूद का नाम है जो सिर्फ जबान से ये नहीं कहा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं। रहमतुल्लिल आलमीन की साहिबजादी हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली करमल्लाहु वज्ह का मैं लख्ते जिगर हूं। आपने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं हजरत इमाम हसन का भाई हूं, बल्कि आप इन तमाम जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों की अजमत जो कायम थी उसको बाकी रखने के लिए चट्टान की तरह यजीद के सामने खड़े होने का नाम हुसैन है। हुसैनियत उसको कहते हैं जब इस्लाम मिसले ज़ैनुल आबिदीन यजीदियों के नरगे में होता है, उस जगह अपने आप को पेश करने के लिए अपनी जान देने का नाम हुसैनियत है। इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम के रगों में जो खून कमजोर हो गया था, उस खून को गर्म करके, अपने खून के जरिए से उस खून को गर्म करने का नाम हुसैन है।
हुसैनियत इसको कहा जाता है, सिर्फ जबान से हुसैनियत कह लेना या हुसैन का नाम लेना ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैन से मोहब्बत करने का नाम नहीं है, बल्कि हुसैन से मोहब्बत का नाम हजरत क़िबला आलम का वजूद मुकद्दस है, आपकी हयात तय्यबा है, और करबला वालों के जो आपके साथियां हैं, आपके साथियों का नाम हजरत क़िबला आलम की जमात है। इसलिए हजरत क़िबला आलम क्या फरमाते हैं, लेके जज्बे तबलीग हुसैन आए हैं। यहाँ दावा नहीं है, ये हुसैन अली मकाम का जो जज्बा था, आपने वहां शर्त रखी थी कि मैं जहां से आया वहां चला जाता हूं, या फिर मैं डायरेक्ट अजीज से बात करता हूं, या फिर मुझे जहां से मेरे नाना जान को ठंडी हवा आई है यानी हिंदुस्तान जाने की, मुझे वहां पर मेरे को इजाजत दे दो, मैं वहां जाऊंगा और वहां पर तबलीग करूंगा। तो क्या एक अल्लाह वाले की, एक आम वली की भी ख्वाहिश कभी रद्द हुई अल्लाह के सामने? एक वली की जब ख्वाहिश रद्द नहीं होती तो जिसके कतरे खून से औलिया पैदा होते हैं, क्या उनकी ख्वाहिश रद्द हो सकती है? हजरत इमाम हुसैन की ख्वाहिश हजरत क़िबला आलम का वजूद बनकर यहां पर खड़ी हो गई, दीनदार न्यूमन की शक्ल में यहां पर खड़ी हुई। ये दावा नहीं है, ये फनाइयत का मामला है। लोग इसको दावा समझते हैं, ये उनकी कम इल्मी है। ये दावा हरगिज नहीं है, बल्कि ये फनाइयत है। अपने आप को वहां फना करके, जैसे शकर दूध में फना हो जाती है तो अब वहां पर दूध ही रहता है, कोई ये नहीं कहता कि शकर अलग है, ऐसा ही यहाँ पर जब हजरत क़िबला आलम फरमा रहे हैं, मतलब आपने अपने आप को फना कर दिया उस राह में, आप वो मुकाम पर खड़े हो गए, हजरत इमाम हुसैन की तमन्ना बनकर आप अपनी जमात को खड़ा किए हैं। यही हकीकत में हजरत इमाम हुसैन का जज्बा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जमात से मुंसलिक किया है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे वो काम भी ले और साथ ही साथ हमको इस्तेखामत भी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।